अस्सलामु अलैकुम गर्ल्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 8 ऑफ प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ अ फेयर कज़न एंड अ डार्क ब्रदर। ओके, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द कॉर्नेशन सेरेमनी एंड आफ्टर द कॉर्नेशन सेरेमनी रेसिंडल वेंट टू रेस्क्यू द किंग। ओके, और हमें ये भी पता चला था जब वो वापसी किंग को रेस्क्यू करने के बाद वो जब घर वापस आ रहा होता है तो उसकी फिंगर भी इंजर्ड हो जाती है और किंग वहाँ पे रेस्क्यू नहीं होता बल्कि किंग क्या हो जाता है, किडनैप हो जाता है। किडनैप करने वाले कौन दो लोग होते हैं, वो मैक्सुल्फ और माइकल होता है। अब हमें ये पता चल गया कि किंग का जो रेसिंडल है उसकी फिंगर भी इंजर्ड हुई है, किंग भी किडनैप हो गया। अब क्या होगा, अब देखो वो घर तो वापस आ जाते हैं। अब जब सुबह होती है, अब पहले तो रेसिंडल बिहेव ऐसा कर रहा था जिसको सिर्फ इंजॉय करना था कॉर्नेशन सेरेमनी को, अब इसको बाकायदा किंग की ड्यूटीज निभानी है। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपको पता होगा रेसिंडल वाज अ वेरी केयरलेस पर्सन, उसने तो कभी जॉब भी नहीं की हुई होती है ज़िंदगी में, लेकिन अब वो किंग की ड्यूटीज़ कैसे पूरी करेगा। जब वो सुबह उठता है ना तो कॉलर से इसके सर पे खड़ा होता है और उसको फिर से ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिलाता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और उसको ये भी बताता है किंग क्या पसंद करता है, कौन सी डिशेस को लाइक करता है, कौन सी चीज़ को लाइक करता है, वाइन किंग को ज़्यादा पसंद है और कौन सी वाइन ज़्यादा पसंद है वो भी मैं आपको बता दूँ। जूम कर रही हूँ, ध्यान से देखना, वाइट वाइन पसंद है किंग को। अब ये सारी चीज़ें जब रेसिंडल को बताई जा रही है, रेसिंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है क्योंकि उसने कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं है। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं तो रेसिंडल क्या डिसाइड करता है कि आई शुड ड्रिंक अ वाइन टू गेट रिलैक्स, तो वो वाइन पीता है। इसके बाद फ्रेंड्स और कॉलनर सब आते हैं, इन तीनों में आपस में क्या बात हो रही है, एक्चुअली रेसिंडल इज़ गेटिंग नर्वस। क्यों नर्वस हो रहा है, उसको फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं पकड़ा जाऊँगा, कहीं किंग मर गया तो। लेकिन यहाँ पे कॉलनर सेप हमेशा से ही प्री प्लान रहने वाला जो बंदा है ना, वो कॉलनर सेप है। कॉलनर सेप को पहले से ही पता चल जाता है हर चीज़ का क्योंकि इसकी सिक्स सेंस बड़ी काम करती है। अब कॉलनर सेप को पता है किंग विल नॉट बी डेड। किंग क्यों डेड नहीं होगा, क्योंकि रेसिंडल ज़िंदा है। अगर वो किंग को मारेंगे तो रेसिंडल का मुकाबला कैसे करेंगे, कल को रेसिंडल ये भी तो क्लेम कर सकता है मैं किंग हूँ। तो यहाँ पे कॉलनर सेप को पक्का यकीन है कि किंग नहीं मरेगा और ये बार बार रेसिंडल को भी कह रहा है कि किंग नहीं मरेगा, किंग को मारना बड़ा मुश्किल है, किंग को मारेंगे तो तुमसे मुकाबला करना पड़ेगा। अब देखते हैं, कॉलनर सेप ने इसको एक कमज़ोरी तो ब्लैक माइकल की बता दी, अब सेकंड कमज़ोरी भी इसके हाथ में आ गई है। सेकंड बात भी कॉलनर सेप को यहाँ पर पता है कि वो किंग को क्यों नहीं मारेंगे, वो नेक्स्ट पेज पर है, वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो कॉलनर सेप है ना, उसको फिर से एक बात बताएगा जिससे कॉलनर सेप को पक्का यकीन है कि वो किंग को नहीं मारेंगे। दूसरी बात, जो पहली बात तो मैंने आपको बता दी, वो किंग को क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि रेसिंडल मौजूद है। पहले वो रेसिंडल को मारेंगे फिर वो किंग को मारेंगे। सेकंड बात भी कॉलनर सेप को पता है कि वो किंग को क्यों नहीं मारेंगे अभी। सेकंड जो बात है वो ये है कि हाफ ऑफ द सिक्स अभी भी स्ट्रेल्सा में मौजूद हैं। गर्ल्स, मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा दूं क्योंकि बहुत पहले हमने पढ़ा था ज़ेंडा और स्ट्रेल्सा है क्या, मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। देखो, दिस स्टोरी टुक प्लेस इन द रूरिटेनिया। रूरिटेनिया इज़ अ इमेजनरी प्लेस, जैसे पाकिस्तान इज़ अ कंट्री नेम ऑफ सपोज़ करें, लेट्स सपोज़। वैसे आपको पता है दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसका नाम रूरिटेनिया, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं, लेकिन लेट्स सपोज, सिर्फ सपोज कर लें, एक मुल्क है जिसका नाम है रूरिटेनिया। अब रूरिटेनिया का जो कैपिटल है उसका नाम है ज़ेंडा। हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है द किंग वॉज किडनैप, तो किंग को कहाँ रखा गया है, ज़ेंडा में रखा गया है। और आपने बहुत पहले, आई डोंट नो द नंबर ऑफ द चैप्टर, लेकिन आपने पहले कॉर्नेशन सेरेमनी जो पढ़ी हुई है ना, कॉर्नेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी, वो स्ट्रेल्सा में हुई थी। अब जो ये जो रेसिंडल जहाँ पे मौजूद है ना, वो स्ट्रेल्सा है और जो किंग को किडनैप किया गया है वो है ज़ेंडा। अब देखो गर्ल्स,
कॉलरसेप को ऐसे क्यों लग रहा है कि वो किंग को नहीं मारेंगे, क्योंकि हाफ जो सिक्स है ना, अब आप कह रहे होंगे व्हाट इज सिक्स मेस, तो सिक्स है माइकल की गैंग। अब माइकल तो गैंगस्टर ही समझ लो, माइकल एक गैंगस्टर है और उसकी भी एक गैंग बनी हुई है, मतलब उसके भी आदमी हैं जो इसके फॉलोअर्स हैं, वो कितने हैं, टोटल सिक्स हैं। और अपने इस गैंग का उसने नाम रखा हुआ है द सिक्स, क्योंकि उसके मेंबर कितने हैं, सिक्स हैं। तो सिक्स को अगर आप हाफ कर देते हैं तो कितना होता है, थ्री। तो थ्री जो पर्सनस हैं ना, उसने स्ट्रेल्सा में रखे हुए हैं और थ्री इसने जेंडा में रखे हुए हैं। अब थ्री स्ट्रेल्सा में क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि तीन जो ये लोग हैं वो किस पर नज़र रखें, ऑफकोर्स किस पर नज़र रखेंगे, ये नज़र रखेंगे रेसिंडल पर। जो बाकी के तीन हैं उसने कहाँ रखे हुए हैं, किंग की निगरानी में रखे हुए हैं, ताकि बाकी के तीन किस पर नज़र रखें, किंग पर नज़र रखें। तो ये थ्री थ्री करके डिवीजन की हुई है। अब कॉर्नर सेप कह रहा है कि रेसिंडल वो किंग को नहीं मारेंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द सिक्स अभी भी इस इलाके में मौजूद है जहाँ पे तुम मौजूद हो। अब गर्ल्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ वो द सिक्स के मेंबर्स कौन हैं, ये इस पैराग्राफ में आ रहा है और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइव ईयर में आता है डिस्क्राइब द सिक्स। तो द सिक्स कौन है गर्ल्स, मैं यहाँ पर पढ़ने जा रही हूँ, ये देखे मैं पॉइंट आउट भी कर रही हूँ कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, वीडियो में सर ध्यान से देखना। देयर आर द थ्री रूरिटेनियंस, जो द सिक्स में थ्री जो मेंबर है ना वो क्या है, रूरिटेनिया से बिलोंग करते हैं। जैसे वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी क्यों हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू पाकिस्तान। तो द सिक्स में से जो थ्री मेंबर्स है वो रूरिटेनियन है, बिकॉज दे बिलोंग टू रूरिटेनिया। अब थ्री तो मैंने बता दिया, बाकी के थ्री कौन है, बाकी के थ्री जो एक है वो फ्रेंच मैन है, बाकी जो फोर्थ मेंबर है वो है फ्रेंच मैन, वो फ्रेंच फ्रांस से बिलोंग करता है, और जो फिफ्थ है वो बेल्जियन से बिलोंग करता है, ओके। और जो लास्ट वन है ना, लास्ट वन इंग्लिश मैन है। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ द सिक्स के थ्री मेंबर्स की, मैं ज़रा लोकेशन आपको आइडेंटिफाई कर देती हूँ, जो कि द सिक्स के थ्री मेंबर्स हैं वो रूरिटेनियन के हैं, और जो फोर्थ वन है वो फ्रेंच मैन है, फिफ्थ वन बेल्जियन से है, और लास्ट जो कि सिक्स है वो किस से है, वो इंग्लिश मैन है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये रेसिंडल जो है ना वो भी इंग्लिश मैन है। अब रेसिंटल भी इंग्लिश मैन है, और जो माइकल का जो लास्ट मेंबर है वो भी इंग्लिश मैन है। अब ज़रा इनके नाम भी देख लेते हैं, जो रूरिटेनिया वाले हैं ना उनके नाम अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे या आगे वाले चैप्टर में कहीं आएंगे। ये जो फॉरेनर है ना, फॉरेनर में किसको कह रही हूँ, एक बेल्जियन है, फ्रेंच मैन है और इंग्लिश मैन है, ये फॉरेनर है। अब इन फॉरेनर के नाम क्या क्या है, जैसे आपको मैं ज़रा जूम करके दिखा देती हूँ। डी गॉटेड, डी गॉटेड किससे ताल्लुक रखता है, फ्रेंच से। देखो फर्स्ट फ्रेंच, फ्रेंच मैन कौन है, डी गॉटेड। बेल्जियन वाला कौन है, बर्सोनिन, बी बी, ओके, बेल्जियन से बर्सोनिन। अब जो लास्ट इंग्लिश मैन है ना, दैट इज़ डिचार्ड, और इस डिचार्ड की ही रेसिंडल से नहीं बनेगी, क्योंकि रेसिंडल भी इंग्लिश मैन है और ये डिचार्ड भी कौन है, इंग्लिश मैन है। अब ये माइकल के ख़ास आदमी है, ख़ास आदमी क्या, अगर माइकल इन्हें ऑर्डर दे देना टू कट द थ्रॉट ऑफ समवन, तो ये कट करके ही आएंगे, वो इतने ज़्यादा डेंजरस हैं। अब बताएं, रेसिंडल इतना कंफ्यूज हो रहा था, इतना कंफ्यूज हो रहा था कि किंग मर जाएगा, फिर कंफ्यूज हो रहा था मैं पकड़ा जाऊँगा। अब जब उसको द सिक्स के बारे में पता चलेगा तो उसको तो और कंफ्यूज होना चाहिए। देखते हैं वो कंफ्यूज होता है या नहीं होता, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अच्छा गर्ल्स, अब जब रेसिंडल ये सारी चीज़ें सुनता है ना द सिक्स के बारे में और भी कुछ के द सिक्स कैसे हैं, सो अब वो ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया। अब स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे प्रिंसेस फ्लेविया से मिलने जाना चाहिए। सो वो अपने साथ किसको लेकर जाता है, फ्रेड्स को लेकर जाता है। तो वो जब रास्ते में जा रहा है गर्ल्स, तो वो अपने साथ क्या लेता है, वो फ्लावर लेता है और द पीस ऑफ द गोल्ड लेता है, ताकि वो किसको दे सके, ये
प्रिंसेस फ्लेविया को दे सके। अब जब वो प्रिंसेस फ्लेविया के घर पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा कि इतना ज़्यादा फर्श भी क्यों उतावला हो रहा था प्रिंसेस फ्लेविया के घर जाने के लिए, क्योंकि प्रिंसेस फ्लेविया की जो घर में प्रिंसेस फ्लेविया की जो फ्रेंड है ना, वो फ्रेड्स की क्या है, गर्लफ्रेंड है। उसका नाम मैं आपको मेंशन कर देती हूँ क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में आता है। इसका नाम ये है, मैं जूम कर रही हूँ बस यहाँ से देखना, काउंटेस हेल्गा वोन स्ट्रॉफजेन। ओके, वैसे तो सिर्फ हेल्गा ही नाम एमसीक्यूज के ऑप्शन में आता है, तो आप याद रखना हेल्गा इज़ अ गर्लफ्रेंड ऑफ द फ्रेड्स। लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना करेक्टर के ऊपर, हेल्गा के ऊपर, सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस वर्ड गर्लफ्रेंड। आप फ्रेंड करके लिख देना या फ्रेड्स लव हेल्गा ऐसे करके लिख देना, क्योंकि गर्लफ्रेंड अच्छा नहीं लगता अगर आप आंसर में मैंशन करेंगे। अच्छा, तो ये लोग कहाँ पहुँच गए हैं, किसके घर पहुँच गए हैं, प्रिंसेस फ्लेविया के घर पहुँच चुके हैं। अब इन दोनों के दरमियान आपस में कुछ बातें हो रही होगी। हम नेक्स्ट पेज पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। मैं डायरेक्टली पेज नंबर 46 पे आ गई हूँ क्योंकि दूसरे दो पेजेस पे जो बातें हो रही हैं वो फ्लेविया और रेसेनर के दरमियान जस्ट इरेलीवेंट बातें हो रही है। 46 पेज नंबर पर डायरेक्टली इसलिए आ गई क्योंकि 46 पेज नंबर पे क्या होगा, जब फ्लेविया और रेसेंडल बात कर रहे होंगे तो एकदम से स्ट्रीट में चेयर अप करने की आवाज़ आएगी। क्यों चेयर अप कर रहे होंगे, क्यों सारे लोग इतने शोर कर रहे होंगे रास्ते में, जब फ्लेविया विंडो से देखेगी क्यों इतने सब लोग शोर मचा रहे हैं, तो पता चलेगा कि नीचे कौन खड़ा हुआ है। नीचे माइकल आया हुआ है। माइकल किससे मिलने आया हुआ है, रेसेंडल से मिलने आया हुआ है। देखो माइकल ऐसे ही बिला वजह मिलने के लिए नहीं आया होगा, क्यों मिलने आया होगा वो रेसेंडल से, जब आएगा तब हमें पता चलेगा। अब क्या हो रहा है, माइकल दूसरे रूम में रेसेंडल का इंतज़ार कर रहा है कि वो आए और इससे मिले, लेकिन रेसेंडल वहाँ से खड़ा नहीं होगा। सो नाउ क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लेविया है वो रेसेंडल को कहेगी कि प्लीज़ जाओ अपने भाई से मिलो, अदरवाइज़ ही वुड बी गेट एंग्री। तो अब रेसेंडल खड़ा होगा और उसे मिलने जाएगा ना, तो उसकी प्लानिंग पता चलेगी कि यहाँ पे माइकल क्यों आया। माइकल ऐसे फजूल मिलने नहीं आया, बल्कि वो अपने थ्री जो द सिक्स के थ्री मेंबर है ना, वो एक्चुअल में थ्री मेंबर्स को यहाँ लेकर आया है ताकि वो रेसेंडल को डरा सके। अब पता चलेगा नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे तो द सिक्स के जो थ्री मेंबर है ना, उससे बाकायदा रेसेंडल की बात होगी। अब आप पिछले चैप्टर से आपने अंदाज़ा लगाया रेसेंडल वाज गेटिंग नर्वस एंड ही वाज वेरी फ्राइटेंड। अब देखते हैं वो थ्री जो मेंबर्स है उसको देखकर फ्राइटेंड होगा या नहीं होगा, ज़रा हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इन लोगों के दरमियान क्या बात हो रही है। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगा इफ़ आई रीड लाइन बाय लाइन। हम नेक्स्ट पेज पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं, जो कि द सिक्स के थ्री मेंबर्स से जो बातचीत होगी। हम देखेंगे कि रेसेंडल नर्वस होगा या फ्राइटेंड होगा या डरेगा, क्या होगा नर्वसनेस, क्या वो थ्री मेंबर्स को शो करेगा या बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करेगा, ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, ये पेज नंबर 47 की बातें हम ज़रा इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। ये थ्री मेंबर्स से मिलने से पहले माइकल और रेसेंडल के दरमियान क्या बात हो रही है, ज़रा इसको भी देखते हैं। सिर्फ डायलॉग्स को ही हम देख लेते हैं। योर हैंड इज़ हर्ट सर, आपको याद है कॉर्निश सेरेमनी के बाद जैसे ही रेसेंडल जाता है किंग को रेस्क्यू करने के लिए, सो इसकी फिंगर पर क्या लग जाती है, बुलेट लग जाती है, आप सबको याद ही होगा। तो इसकी फिंगर क्या होती है, इंजर्ड होती है। तो आप यहाँ पे माइकल इसको थोड़ा सा टॉन्ट कर रहा है कि योर फिंगर इज़ हर्ट। आपको ये भी बता दूँ ये फिंगर जो हर्ट हुई थी वो माइकल की वजह से ही हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने ही फायरिंग की थी। तो यहाँ पे इसको टॉन्टिंग करने के लिए ये बोल रहा होता है योर हैंड इज़ हर्ट, क्योंकि इसको याद दिला रहा होता है कि बी केयरफुल, अभी इस वहीं से फिंगर ही हर्ट हुई है, बाद में क्या पता तुम पूरे ही ख़त्म हो जाओ। अब देखते हैं उसको क्या जवाब देता है। Yes, I was playing a game with Morgul dog. अब देखो वो डायरेक्टली
इसके सामने कौन खड़ा हुआ है? माइकल खड़ा हुआ है। माइकल को कह रहा है कि मैं किसके साथ खेल रहा था, मैं डॉग के साथ खेल रहा था। एक्चुअल में वो माइकल के साथ मुकाबला कर रहा था। तो डायरेक्टली वो माइकल को क्या कह रहा है कि यू आर डॉग एंड आई वॉज प्लेइंग विद यू, दैट्स वाई माई फिंगर इज़ हर्ट। अब माइकल को उसने मुंह पे ही उसका ताना मारा, तो अब माइकल बहुत अजीब तरीके से हंसता है, टॉन्टिंग वाले अंदाज से हंसता है। अब माइकल को पता चल गया है कि रसेंडल हल्का लेने वालों में से नहीं है, तो उसको डराने के लिए वो अपने 3 लोगों को उसके सामने खड़ा करता है। अब 3 लोगों से भी रसेंडल डरता या नहीं डरता वो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। अच्छा, इस पेज पर एक्चुअल में द 3 का इंट्रोडक्शन आ रहा है। ज़रा यही वाले मैं पढ़ने जा रही हूँ। दे केम वन बाय वन एंड किस माई हैंड। वो 3 जो मेंबर है वो आते हैं वन बाय वन, किसके हैंड को किस करता है? रसेनल के हैंड को किस करते हैं। मैंने आपको नाम पहले से ही बताया हुआ है, डी गॉटेड, बर्सोनिंग और डिचार्ड। ये द फॉरनर्स होते हैं और यही आते हैं रसेनल से मिलने के लिए। डी गॉटेड आर टॉल एंड लीन। लीन का मतलब है कमज़ोर, फेलो, फेलो का मतलब गाय समझ लो, विद हेयर स्टैंडिंग स्ट्रेट अप एंड वैक्स माउस्टेज। अच्छा, इसकी माउस्टेज थी, टॉल था, थोड़ा सा पतला था। बर्सोनिंग के पास आते हैं, बर्सोनिंग द बेल्जियन आ पोर्टली मैन। पोर्टली का मतलब है थोड़ा मोटा आदमी था। ऑफ मिडिल हाइट, उसकी हाइट क्या थी? मिडिल थी। विद बाल्ड हेड, बाल्ड हेड का मतलब था वो गंजा था। अब लास्ट मैन देखते हैं, द लास्ट इंग्लिश मैन डिचार्ड, द नैरो फेस फेलो एंड द क्लोज कट हेयर, फेयर हेयर एंड द ब्राउन्स कॉम्प्लेक्शन। ब्राउन्स कॉम्प्लेक्शन आप सबको पता है सांवले कलर का था, नैरो उसका फेस था और क्लोज कट फेयर हेयर थे, उसके हेयर जो थे वो फेयर थे, मतलब ब्लैक हेयर नहीं थे। ही वॉज फाइनली मैड मैन ब्रॉड इन अ शोल्डर, उसके शोल्डर क्या थे? ब्रॉड थे। स्लेंडर इन अ हिप, अ गुड फाइटर। जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है ना वो है डिचार्ड, अ गुड फाइटर एंड द क्रॉक कस्टमर। आई पुट हिम डाउन फॉर आई स्पोक टू हिम इन इंग्लिश विद अ स्लाइट फॉरन एक्सेंट एंड आई स्वेयर टू फेलो स्माइल थ्रू ही डेड द स्माइल इन एंड इंस्टेंट। अब रसेनल ने सिर्फ डिचार्ड से बात की, क्योंकि डिचार्ड कौन था? इंग्लिश मैन था। रसेनल वॉज ऑल्सो अ इंग्लिश मैन, सो दे बॉट टॉक इन अ इंग्लिश एक्सेंट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो मिस्टर डिचार्ड इज़ इन अ सीक्रेट, थॉट आई, हैवन गॉट रीड ऑफ माई डियर ब्रदर एंड हिज फ्रेंड, आई रिटर्न टू मैक एड्यू। एड्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो कैब। ये देखो लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक भी कर रही हूँ, इसका मतलब है गुड बाय। अब रसेनल इन लोगों से ज़्यादा बातचीत करने के मूड में नहीं था, तो वो खड़ा होता है अपने भाई और अपनी कज़न दैट इज़ प्रिंसेस फ्लेविया, उसको गुड बाय कहने के लिए खड़ा होता है। अब वो जा ही रहा होता है, अब देखते हैं क्या होता है। क्या पता इसको फ्लेविया कुछ कहे, फ्लेविया क्या कहने वाली है। फ्लेविया रेडोल्फ करके उसको बुलाती है और उसको कहती है बी केयरफुल, वॉर्न यू ऑफ व्हाट यू नो आई कांट से बट थिंक व्हाट्स योर लाइफ इज़ टू वेल टू रूरिटेनिया। अब इसकी कज़न को बहुत डर लग गया, क्योंकि माइकल तो वैसे ही डेंजरस था। अब उसके 3 मेंबर्स भी उसके साथ है और वो भी उसमें से सबसे लास्ट वाला जो इंग्लिश मैन है, ही इज़ वेरी डेंजरस। अब फ्लेविया को डर लग रहा है, अब क्या रसेनल को डर लगेगा या नहीं लगेगा, वी डू नॉट नो। लेकिन ये जाते हुए रसेनल को कह के जाती है बी केयरफुल, क्योंकि किंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था। जैसे रसेनल ड्यूटीज़ के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग केयरलेस है ना, लेकिन किंग तो ओवरऑल ही केयरलेस था, वो ना अपनी परवाह करता था। हालांकि किंग को पता भी था माय ब्रदर इज़ नॉट गॉड, लेकिन आपको पता है कॉर्नेशन सेरेमनी जब हो रही थी उससे पहले जो वाइन आती है, हालांकि किंग को पता है माइकल इज़ नॉट गॉड, लेकिन तो भी वो वाइन पीता है बिकॉज ही इज़ केयरलेस। अब फ्लेविया को यही लगता है कि रसेनल को अभी वो किंग ही समझ रही है ना, उसको ऐसा लग रहा है किंग केयरलेस है तो वो केयरफुल नहीं रहेगा, इसलिए फ्लेविया इसको बार बार यहाँ पे कहती है केयरफुल रहना। अब
देखते हैं रेसिडेंट केयरफुल रहता है नहीं रहता। अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको रीड आउट ही कर लेती हूँ, उसमें और क्या है। यू नो आई कॉन्ट से बट थिंक व्हाट्स योर लाइफ इज टू वेल टू रिटेनिया वॉज आई राइट टू प्ले द पार्ट अ रॉन्ग पार्ट टू द पार्ट आई नो Not even lay both way. I dared not to tell her the truth. अब इट्स रेसेंटली यहाँ पर सोच रहा है क्या करूँ, ये वाले इविल से खेलूँ या फिर अपने मुल्क वापस जाऊँ। दोनों तरह तरीके से खतरा ही खतरा था, लेकिन वो फ्लेविया को सच्चाई नहीं बता सकता था कि वो किंग नहीं है, वो रेसेंडल है। इसमें भी खतरा था। ओनली टू रिटेनिया आई आस्क सॉफ्टली अ सडन फ्लैश स्पिट ओवर हर इनकम्पेरेबल फेस टू योर फ्रेंड टू शी सेड फ्रेंड्स टू योर कजन शी विश्पर एंड लविंग सर्वेंट आई कुड नॉट स्पीक आई केस हर हैंड एंड वेंट आउट टू माई सेल्फ। अब ये एट लास्ट प्रिंस फ्लेविया को खुदाफिस करके जैसे ही बाहर आएगा तो वो देखेगा फ्रिट्स किसके साथ है, हेल्का के साथ खेल रहा है। क्योंकि हमें पता है फ्रिट्स किसको पसंद कर रहा है, फ्रिट्स लाइक हेल्गा, और हेल्गा कौन है, प्रिंसेस फ्लेविया की फ्रेंड है। अब ये वाला चैप्टर यहीं तक ये हम वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ, इस चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है। स्टार्ट में तो कॉलर सब इसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज बताते हैं, उसके बाद द सिक्स को इंट्रोड्यूस कॉलर सब भी कर लेता है। देखो कॉलर सब हमेशा प्री प्लान रहता है, उसको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। तो द सिक्स के बारे में भी पता था, नाम तक पता थे, बर्सोनिन रिचार्ड डी गॉटेड का तो नाम तक उसने बता दिया। अब थ्री रोडिटेनियन के नाम बाद वाले चैप्टर्स में आएंगे। अब ये बहुत थक गया होता है, वो फ्लेविया के घर जाता है, तो फ्लेविया के घर में ही ब्लैक माइकल पहुंच जाता है अपने द सिक्स के थ्री मेंबर्स के साथ। यहाँ पे वो इसलिए आता है ताकि वो रेसिंडल को डरा सके। अब वो रेसिंडल डरा या नहीं डरा ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन प्रिंसेस फ्लेविया ज़रूर डर गई, इसलिए वो इसको लास्ट में कहती है बी केयरफुल। अब आगे हम देखते हैं ये द सिक्स के थ्री मेंबर्स क्या करते हैं, रेसिंडल इनके साथ क्या करते हैं। नॉवल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सो बी विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।